इस तरह की फिंची से कलर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ये फोन कलर में ब्लैक चिक का मेल है और इसके साथ अंडर साइज की फोन फीमेल मैंने लगाई हुई है। इसकी मटकी में माशाल्लाह से 3 अंडे आए हुए हैं। बेंगलाइज फिंचेस तो बिल्कुल भी नहीं कर रही ब्रीड। ये दो प्यार व्हाइट चिक के बेहतरीन साइज है इनका और बहुत ही डार्क पिच में है। आप देख सकते हैं इनका कलर कितना जबरदस्त आया हुआ है। तो यहाँ पर आए हुए हैं ब्लैक जेब्रा फिंच के पट्टे। फैंसी फेलोरिडा का मेल है और ब्लैक ब्रेस्टेड की फीमेल है। इसके अंदर तकरीबन 5 अंडे हैं। अक्की में था, अभी ये जो है बाहर कूद चुका है। ये पेंगुइन का पट्टा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैर हो आफियत से होंगे। वेलकम कहता हूँ आपको खुबैर पेट यूट्यूब चैनल की एक न्यू वीडियो में। आगाज करते हैं आपने आज के ब्लॉग का। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट लाइफ में मेरे को देखा होगा, तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, काफ़ी ज़्यादा खांसी हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। एक दिन के ब्रेक के बाद आप लोगों के सामने हाजिर हो रहा हूँ। कल का ब्लॉग भी इस वजह से नहीं बनाया था कि तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है आप लोगों का भाई। तो आगाज़ करते हैं अपने आज के ब्लॉग का। अगर आप चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाए खुबैब पेट्स फैमिली का हिस्सा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा जिससे आपको आने वाली तमाम नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो के लास्ट में मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कमेंट की सूरत में कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। तो दोस्तों अपडेट्स से शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ अपडेट ये है कि हमारी जो कॉलोनी केजेस हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कंप्लीट तैयार हो चुके हैं, और ये भी मैंने डिसाइड कर दिया कि इनके अंदर मैं रखने वाला क्या हूँ। इनके अंदर मैं रखने वाला हूँ फिंचेस। जी हाँ, जो फिंचेस अभी इन केजेस में लगी हुई हैं इन सारी फिंचेस को अभी मैं वापस कंबाइन करने वाला हूँ। सारी से मुराद ये है कि वाइट की कॉलोनी अलग बनेगी, ब्लैक फिंचेस की कॉलोनी है, जेब्रा फिंचेस की कॉलोनी अलग बनेगी, और थर्ड वाले में मुमकिन है कि मैं जो है म्यूटेशन फिंचेस रख दूँ मेरे पास जो म्यूटेशन फिंचेस है, या फिर कुछ और चीज़ देखेंगे। इसका अभी डिसाइड नहीं किया, लेकिन दो कॉलोनीज़ का हो चुका है डिसाइड। इसके अलावा इंशाल्लाह आप लोगों को कॉलोनीज़ की मुकम्मल वीडियो में आप लोगों शेयर करने वाला हूँ। इसके 3 पार्ट बनेंगे। जो कॉलोनी मैंने यहाँ पर बनाई है, कॉलोनी किस तरह से बनाई है, इसकी पूरी फाउंडेशन और पूरा फ्रेम वगैरह स्ट्रक्चर वर्क जितना भी है, तमाम तरह की 3 पार्ट बने। सबसे पहले मैं 2 पार्ट जो होंगे उनमें आप लोगों कॉलोनीज़ का मैं आप लोगों को तरीका बताऊँगा किस तरह से केजेस वगैरह बना सकते हैं और कॉलोनी बनी है, और इंशाल्लाह थर्ड वाले पार्ट में हम लोग जो है फिंचेस जितनी भी है, म्यूटेशन फिंचेस हो गई और नॉर्मल फिंचेस जो भी मेरे पास फिंचेस है, इन सबको इस कॉलोनी में शिफ्ट करूँगा। तो इंशाल्लाह पूरा तरीका बताऊँगा आप लोगों को किस तरह से फिंचेस को एक कॉलोनी से, एक केज से दूसरे केज में, दूसरी कॉलोनी में शिफ्ट किया जाता है, खासतौर पर ब्रीडर फिंचेस को। साथ साथ देख लेते हैं आज की इस वीडियो में अपनी फिंचेस की तमाम तर ब्रीडिंग प्रोग्रेस, क्या सूरत हाल चल रही है हमारी फिंचेस की। इसी बहाने मेरे को भी ये पता चल जाएगा कि क्या मैं ये फिंचेस शिफ्ट कर भी सकता हूँ या नहीं। कॉलोनीज तो बना ली हैं, ऐसा ना हो तमाम तर मटकियों में अंडे बच्चे आए हुए हों तो इससे क्या होगा कि मैं जो है अपनी फिंचेस इन कॉलोनीज में शिफ्ट नहीं कर सकूँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी इन म्यूटेशन फिंचेस से, यहाँ पर मेरे पास है फ्लोरिडियन मेल है और ब्लैक ब्रेस्टेड की फीमेल है। सबसे पहले देखते हैं इन्होंने क्या सूरत हाल बनाई हुई है, इनके क्या अंडे बच्चे आए हुए हैं नहीं। तो यहाँ पे अंदर चल के इनका जो बॉक्स मैंने लगाया हुआ है, लकड़ी का बॉक्स लगाया है, और इसमें नेस्ट वगैरह जो इन्होंने बनाया हुआ है, तकरीबन माशाल्लाह से 2 अंडे भी आए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारी सबसे पहली फिश ने 2 अंडे दिए हुए हैं, फ्लोरिडियन मेल और ब्लैक ब्रेस्टेड की फीमेल। तो ये वाला पेयर तो अब कंफर्म हो गया कि मैं जो है चेंज करने वाला नहीं हूँ। नेक्स्ट अगर केज में देखें हम लोग, तो यहाँ पर जो हमारे पास है ब्लैक ब्रेस्टेड ब्लैक फेस का मेल है और ब्लैक ब्रेस्टेड की ही फीमेल है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके बॉक्स की क्या ही सूरत हाल है। इसका बॉक्स बिल्कुल खाली है, इसके नेस्ट में अभी तक कुछ भी नहीं है। इससे अगले वाले में देखते हैं क्या सूरत हाल है, यानी कि तमाम तर म्यूटेशन फिंचेस देख के फिर ही मैं डिसाइड करूँगा कि क्या हमें इनको शिफ्ट करना चाहिए नहीं। अगर इसमें देखें कि हमारे पास है क्या चीज़, तो इसमें भी जो है ब्लैक ब्रेस्टेड का मेल है और ब्लैक ब्रेस्टेड की ही फीमेल है। और इसके अगर नेस्ट की बात हम करें तो नेस्ट के अंदर इसके 3 अंडे आए हुए हैं माशाल्लाह से, यानी कि ये भी जो है ब्रीड पर आ चुका है पेयर। तो ये तो डिसाइड हो गया कि ये तीनों पेयर जो है मैं चेंज करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये तीनों हैं भी अंडर साइज़ के। नॉर्मल साइज़ से जो बड़ा साइज़ होता है वो कहलाता है अंडर साइज़, तो इसलिए यहाँ पर ये तीनों पेयर पड़े रहेंगे। इसके ऊपर हमारे पास बजरीज है, बजरीज को फिर किसी वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इस वाले केज में हमारे पास तकरीबन तमाम तर CFW के वाइट जेब्रा फिंच के पेयर हैं, और एक मेल इसके साथ दूसरा मेल और तीसरी फीमेल, ये कुछ मटकियों में बैठे हुए हैं, यानी कि मटकियों में यकीनन अंडे या बच्चे होंगे। एक दफ़ा देख लेता हूँ, कोशिश करता हूँ आप लोगों को भी साथ शेयर कर सकूँ, नज़र आते हैं नहीं, क्योंकि फिंचेस की मटकी के अंदर देखने काफ़ी मुश्किल होता है। इसके अंदर आप लोगों को बच्चे हिलते हुए नज़र आ रहे होंगे इस मटकी के अंदर, तो इस मटकी में तो है बच्चे, ये कंफर्म हो चुका है। ये मटकी खाली है, तीसरी मटकी में देखें तो इसके अंदर भी बच्चे हैं जो कि खाना मांग रहे हैं, काफ़ी ज़ोरदार भूखा बच्चा बैठा हुआ है इसके अंदर। तो ये का तो सूरत हाल चल रही है। यहाँ पर एक अंडा है विदाउट नेस्ट की बनाए, क्योंकि मैंने इनको नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया था, तो बगैर नेस्ट बनाए इन्होंने जो है अंडे दे दिए। इससे अगली मटकी को देखें तो ये भी खाली नेस्ट है, इसमें भी कुछ नहीं है, और नीचे वाली मटकी को ऊपर से देखते हैं तो ये भी बिल्कुल खाली है। यहाँ साइड पर पीछे जो मटकियाँ लगी हुई हैं इनको अगर मैं ऊपर से ही देख लूँ तो इजीली रह जाएगा, इसमें भी जो है
तकरीबन 2 अंडे और 1 मटकी यहाँ घूम कर आती है। इसके अंदर अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसमें भी जो है तकरीबन अंडे नज़र आ रहे हैं, 2 अंडे इसके अंदर भी हैं। तो इस कॉलोनी के अंदर आई हुई है अच्छी खासी प्रोग्रेस, अच्छी खासी ब्रीडिंग आई हुई है। तो इसका क्या तरीक़ेकार है, इसको हम किस तरह शिफ्ट करेंगे, आपके भाई के पास है प्रो ट्रिप्स कुछ आप लोगों के लिए, आप लोगों बताऊँगा कि इस तरह की कॉलोनीज को हम किस तरह शिफ्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखने वाला हूँ, इससे मुझे भी एक आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास जो है केजेस में क्या सूरत हाल चल रही है। नीचे वाले केज में आए तो यहाँ पर जो है तकरीबन 2 बच्चे निकले हुए हैं, ये एक ही है, तकरीबन ये एक ही है क्योंकि एक का ही चेहरा नज़र आ रहा है, साइज़ बड़ा हो गया। टोटल 2 अंडे दिए थे जिसमें से एक बच्चा निकला है। मटकी खाली, इंडस्ट्री नहीं बना हुआ इसमें, तो ये मटकी भी खाली है और इसमें तकरीबन अंडे पड़े हैं 4 से 5 अंडे, 5 अंडे बिल्कुल इस मटकी के अंदर हैं और इस मटकी के अंदर भी तकरीबन 3 अंडे हैं, यानी कि यहाँ पर भी टोटल 5 मटकियाँ हैं जिसमें से 3 मटकियों के अंदर जो है ब्रीड आई हुई है। तो इनको भी जो है हम मैनेज करेंगे। अच्छा, ये वाली जो कॉलोनी आप लोगों को नज़र आ रही है इसमें तमाम तर तकरीबन म्यूटेशन है, यानी कि पाइड है और फैंसी फ्लोरिडा इजाबेल वगैरह। तो ये वाली कॉलोनी मैंने कल ही सेट की है क्योंकि म्यूटेशन फिंच है, तो म्यूटेशन फिंचेस अभी हो सकता है मैं चेंज ना करूं, इन सब की प्रोग्रेस देखकर फिर ही डिसाइड करूंगा। लेकिन वाइट फिंचेस, ब्लैक चिक, वाइट चिक और जेब्रा फिंचेस तो कन्फर्म जो है शिफ्ट होने वाली है। ये वाली मटकी खाली है, इस मटकी के अंदर 2 अंडे हैं, ये वाली मटकी खाली है, इस मटकी के अंदर भी तकरीबन अंडे हैं, कितने 4 या 5 अंडे इसके अंदर हैं। और अगली मटकी के लिए मेरे को जो है थोड़ा सा केज में घूम के जाना पड़ेगा क्योंकि ये केज इस तरह से बने हुए हैं जहाँ से अगर हम अंदर जाते हैं, मतलब मैं तो नहीं जा सकता, मोबाइल अंदर जाएगा। और यहाँ पर तकरीबन 3 अंडे इसके अंदर भी है, मतलब वाइट चिक ने तबाह करके ब्रीड की हुई है यार, तकरीबन तमाम तर प्यारी जो है ब्रीड पर है जबकि मैं इनको नेस्टिंग मटेरियल ही प्रोवाइड नहीं कर रहा, इसके अंदर भी जो है अंडे नज़र आ रहे हैं। वाइट चिक ने भी जो है अच्छी ब्रीड की हुई है, इसमें तकरीबन तमाम प्यार जो है वाइट चिक के हैं और इनमें तकरीबन नीचे जो है पट्ठे भी आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, काली चोंच वाले 10 पट्ठे इस बार निकले हैं, एक क्लच लोग फारिग कर चुके हैं और दूसरे क्लच के अंडे दोबारा से दिए हुए। अच्छा, इस ये जो छोटे केजेज हैं ना इनमें ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी देखना काफ़ी मुश्किल हो जाती है, और इस तरह के केजेज इनमें जो जब छोटे बच्चे मटकियों से कूदते हैं ना तो वो भी बाहर गिर रहे थे, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इन वाली कॉलोनीज में जो है ना फिंचेस वापस शिफ्ट करता हूँ। इंशाल्लाह इन वाली कॉलोनीज में हम जो है ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी अच्छे से देख सकेंगे इजीली और तमाम तर पेयर पर हमारी नज़र भी अच्छे से रहेगी। अच्छा, नीचे जो है ब्लैक जेब्रा फिंच है और इसमें भी तकरीबन 10 पेयर मैंने ब्लैक जेब्रा फिंच के डालते हैं, इसमें भी कोशिश करते हैं ब्रीडिंग प्रोग्रेस हम देख सकें। काफ़ी छोटे केजेज होते हैं तो देखना जो है मुश्किल हो जाती है। पहली मटकी में हमें 4 अंडे नज़र आए हैं, दूसरी मटकी में 1 अंडा है बगैर नेस्ट बनाए, ये अंडा तो मुझे ख़राब लग रहा है। तीसरी मटकी भी खाली है। अच्छा, वापस अगर साइड कोने वाली मटकियों में देखें तो कोशिश कर सकते हैं हम, 1 अंडा जो है हमें नज़र आ रहा है और नीचे वाले में तकरीबन यहाँ पर तो बच्चे हैं, बच्चों की एज भी काफ़ी अच्छी होगी, यानी कि 4-5 दिन तो आराम से हो गए और कितने 3 या 4 बच्चे इसके अंदर हैं। और आगे वाली तकरीबन से तमाम तर मटकियाँ जो है खाली हैं क्योंकि नेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं बना हुआ, वाजे नज़र आ रहे हैं तमाम तर मटकियाँ खाली हैं। तो यहाँ पर अगर इस वाले पेयर को मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये दोनों जो है अंडर साइज के हैं, फॉन कलर का मेल है और ब्लैक फीमेल है, यानी कॉमन जेब्रा फिंच की फीमेल है। और इसकी मटकी के अंदर अगर देखें तो 1 अंडा माशाल्लाह से आया हुआ है इस मटकी के अंदर भी। इसी के साथ दूसरे वाले पेयर को देखें तो फॉन की जो है फीमेल है और फॉन कलर में ब्लैक चिक का, ये आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, बहुत कम इस तरह के कलर मिलते हैं, फॉन कलर में ब्लैक चिक का मेल है। और इसकी मटकी के अंदर अगर आप देखें तो माशाल्लाह से इसकी मटकी में भी 3 अंडे आए हुए हैं। अच्छा, अंडर साइज की भी फिंचेस को मैंने बड़ी मटकियाँ दी हुई हैं क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है और बच्चे भी जो है हर सी बात है बड़े होते हैं, तो बजरी साइज़ की मटकियाँ मैंने इनको दी हुई हैं। तो यहाँ पर ही माशाल्लाह से ब्रीड आई हुई है, यहाँ पर तकरीबन 6 पेयर 5 पेयर है मेरे पास, एक फीमेल उड़ गई थी, तकरीबन 5 पेयर होंगे मेरी इस कॉलोनी में। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले देखना शुरू करते हैं, हर मटकी में तकरीबन अंडे बच्चे आए हुए हैं। तो ये है पेंगुइन फिंच की सबसे पहली मटकी और इसके अंदर कल तक तो बच्चे थे जो तकरीबन सेल्फ हो चुके थे, मगर अभी शायद वो बच्चे बाहर कूद चुके हैं। बच्चे ही मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो पट्टे इनके हैं। और दूसरी मटकी का मुँह थोड़ा सा घुमा, थोड़ा सा मैं इसको मूव करूँगा ताकि हम इसके अंदर देख सकें क्या सूरत हाल है। इसके अंदर तकरीबन 5 अंडे हैं और इसके अंदर जो है मेल फीमेल बैठे रहते हैं, यानी कि इनको हैच कर रहे हैं। नेक्स्ट मटकी ये भी खाली है और इससे अगली मटकी में अगर चले इस मटकी में देखें तो इस मटकी में भी तकरीबन 2 अंडे, एक अंडा तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है वीडियो में जबकि दूसरा अंडा इसके साथ ही पड़ा है। तो 2 अंडे इनकी कैंडलिंग मैंने की थी, ये दोनों जो है फर्टाइल है। और लास्ट वाली मटकी में अगर हम देखें तो काफ़ी घना सा घोंसला बनाया हुआ है, इसके अंदर भी तकरीबन 5 से 7 अंडे हैं और ऊपर से जो है खाली है, यहाँ आप देख सकते हैं, बल्कि यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा अंडे हैं। इन अंडों की मुझे कैंडलिंग करनी पड़ेगी, तकरीबन मैंने जब लास्ट टाइम देखा था 5 अंडे थे, अभी तकरीबन यहाँ पर 9 अंडे आए हुए हैं। और ये वाला वो पट्टा है जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो कल मटकी में था, अभी ये जो है बाहर कूद चुका है, ये पेंगुइन का पट्टा है।
तो दोस्तों फिंचेस की हमने ब्रीडिंग प्रोग्रेस तो देख ली, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अंडे बच्चे आए हुए हैं। अभी कल से जो है आप लोगों को इंशाल्लाह फिंचेस की जो कॉलोनीज है वो बनाने का तरीका जो है आप लोगों को नज़र आएगा, किस तरह से फिंच की कॉलोनी बना सकते हैं। तीन पार्ट है, यानी कि पहले दो पार्ट इस तरह मैंने शुरू में आप लोगों को बताया फिंचेस की कॉलोनी बनती किस तरह, किसी बर्ड की कॉलोनी केज किस तरह से बनाए जाते हैं, और तीसरे पार्ट में मैं इन सारी फिंचेस को जो है शिफ्ट करूँगा। अच्छा, आप लोगों ने ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखी, सबके तकरीबन अंडे बच्चे आए हुए हैं, तो मैं शिफ्ट कैसे करूँगा? मैं कर रहा हूँ तमामतर वाइट फिंचेस और ब्लैक फिंचेस को शिफ्ट, और उसको शिफ्ट जो करूँगा वो आप लोगों को तकरीबन तीन दिन के बाद, यानी जब ये फिंचेस वगैरह शिफ्ट कर लूँगा, इन सब के बाद एक वीडियो दिखाऊँगा कि किस तरह से हम अपनी चलती हुई ब्रीडिंग कॉलोनी को शिफ्ट कर सकते हैं, जिनके पास अंडे बच्चे हों फिंचेस को उनको किस तरह से मूव करते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को दो से तीन दिन की वीडियो के बाद वो वीडियो देखने को मिलेगी। बाकी जो दोस्त ग्रीन रिंगनेक का पूछ रहे थे, तो भाइयों ये जो है ना बिल्कुल सुन बैठे हुए हैं, इनका अभी तक कोई इरादा नहीं है ब्रीड करने का। इनके लिए जो है मैं कल लेकर आया हूँ नया दाना, इंशाल्लाह वो दाना जो है बनाना है ब्रीडिंग फार्मूला, वो भी आप लोग जल्दी वीडियो शेयर होगी किस तरह से हम बर्ड से ब्रीड ले सकते हैं, कैसे ब्रीडिंग फार्मूला तैयार किया जाता है, तो इंशाल्लाह वो वाली वीडियो भी आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगी। तो आज के इस ब्लॉग से दीजिए मुझे इजाज़त, उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो का फीडबैक मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, और आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों की फिंचेस की ब्रीडिंग प्रोग्रेस कैसी चल रही है। इंशाल्लाह मिलता हूँ कल आप लोगों किसी न्यू ब्लॉग किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।